नमस्कार आदाबर्स, पेश है सात दिन आज सनीचर अप्रैल के 16 तारीख के लिए खबरें। असम्बली इलेक्ट महेंद्र जोगी जो फेहापे का है, ये बतलाते हैं कि प्रेसिडेंट जान सांतो की आने वाले मंगल अप्रैल के 19 तारीख रिशफलिंग करने वाले हैं कुछ मिनिस्टर्स का। वे कह रहे हैं कि इनको ख्याल है और विश्वास भी है कि प्रेसिडेंट सही फैसला भी लेने वाले है। जोगी का कहना है कि ये अगर इनके पास ये रिशफलिंग का मौका रहता इनके ख्याल अनुसार, तो ये कहते हैं कि कम से कम चार मिनिस्टर्स यहाँ पे का और एक आब पे आल का ये रिशफल करता। ऐसे भी कहा जाता है कि जबकि मिनिस्टर्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो सारा गलती प्रेसिडेंट के तरफ, सारी उंगलियां प्रेसिडेंट के तरफ उठते हैं। लेकिन देखा जाता है कि मिनिस्टर्स को कम मैनेजमेंट कैपेसिटेट होने के कारण से वहां पर गलतियां होते रहते हैं। जोगी ये कहते हैं कि आने वाले मंगल अप्रैल के 19 तारीख के रिशफलिंग जब जैसे बतलाया गया है ये होगा, और ऐसे वे भी कहते हैं कि अगर एक मिनिस्टर ठीक तरह से काम नहीं करता है, इनके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होते हैं, तो इनको निकालना ज़रूरी है। प्रेसिडेंशियल वर्ड फोर्डर जो है आल्फन रोसनफेल्ड, ये भी बतलाए है के प्रेसिडेंट इवैल्यूएशन गस्प्रेक किए है सभी मिनिस्टर्स के साथ अपने कैबिनेट पर। ऐसे भी आने वाले मंगल को रिशफलिंग के बारे में अगर इतनी दूर वे पहुँचे तो रिशफलिंग भी किया जाएगा। ज़रूरी यह भी है और बतलाया जाता है ज़्यादा बातचीत जो किया गया है, तो कहा जाता है मिनिस्टर सस्किया वाल्डन जो इकोनॉमी से साकन ऑन द नी मशाप और टेक्नोलॉजी से इनोफासी का है, इनको बदला जाएगा, रिशफल किया जाएगा। और ऐसे भी प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को बनूम करने के लिए इनको पूरा अधिकार है, और मिनिस्टर्स को निकालना और वहाँ पर रखना ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। डीएसबी जो है ये मना करते हैं स्टार्टिंग जो है कॉन्टेंट स्टार्टिंग फालूटा का करने के लिए। अगर ये फालूटा आप कॉम्बियोस के पास खरीदेंगे या तो फिर बद्रैफ के पास या तो फिर कोई अन्य लोग के पास, तो डीएसबी जो है ये पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तवासन जो है इन्हें दूर करने के लिए। डीएसबी सबसे बड़ा बैंक है सूरीनाम का, और ये भी अपने खबरों में बतलाए है कि कॉन्टेंट स्टॉटिंग जो किया जाता है ये कॉम्बियोस बद्रैफन या तो कोई अन्य लोग के पास आप खरीद कर वहाँ पर जाएंगे तो डीएसबी ये पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। स्टॉटिंग जो है US डॉलर 3000 तक, तो आपको भी कहा जाता है कि आपको कागजात डॉक्यूमेंटन वहाँ पर रखना है, ये पैसा कहाँ से आए है और किसके पास से आप लेकर आए हैं। ऐसे भी फोटोकॉपी आईडी कार्ड का कहा जाता है लोग वहाँ पर चाहते हैं, क्वितांसी या तो फिर नोटा, और आगे चलकर कहाँ से ये पैसा आप आए हैं ये सभी कागजात का को भी आपको लेकर जाना पड़ेगा बैंक की तरफ। और भी कहा जाता है कि एक क्लियन जो है ये 200 यूरो या तो फिर US डॉलर ये महीनावार स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्टिंग कॉस्ट जो है अब 4% का रखा गया। डीएसबी का पूरा अधिकार है, अगर वे पैसा नहीं स्वीकार करेंगे तो ये भी उनका अधिकार बनता है ऑन द शुक करने के लिए। ये 4% का स्टार्टिंग कॉस्ट जो है ये इन्फोर किया गया था क्योंकि इनॉर्म आनबॉट फालूटा स्टार्टिंग का जो है इन्हें अंतमुदख करने के लिए। बैंक के पास ज़्यादा कॉन्टेंट US डॉलर्स होते हैं, इनका क्लोजर भरा पड़ा है, और ऐसे हिराल पैसा बैतलान की तरफ ऑमसेट करने के लिए इनको पूरा मुश्किल पड़ता है क्योंकि ये डफिसन ट्रांसपोर्ट जो है सूरीनाम से ये मुश्किल में पड़ता है। 20 मुल्क जो है फीसम फ्राई सूरीनाम की तरफ यात्रा कर सकते हैं, ये मुमकिन है मई के पहली तारीख से इस साल में। कुछ जनता जो है ये भी ख़ास तौर पर 20 मुल्कों का जो है ये मई के पहली तारीख से इनको फीसम फ्राई सूरीनाम में वे लोग आ सकते हैं, इनको फीसम के जगह एंट्री फी भरना पड़ेगा। और जो लोग यूरोपा से आएंगे सूरीनाम की तरफ इनको €5 तक पैसा एंट्री फी लगेगा, जो अमेरिका के मुल्कों से आएंगे इनको €5 तक US डॉलर भरना पड़ेगा। ये एक इनसाइडर अफस्काफिंग्स फीसम्प्लिक्ट जो है, और कुछ ऐसे मुल्कों के साथ अभी बातचीत किया जाता है इनके फीसा को अफस्काफ करने के लिए।
Minister Albert Ramdin jo buitenlandse zaken international business or internationale samenwerking ka hai ye bhi persconferentie par batlaye the ke april ke aakhri hafte mein mauka rahega logo ko online ye paisa bharne ke liye aur kuch facilitate bhi zarur se rakha jayega ye apengal lufthafen par aur bhi kaha jata hai ke बताल बवेस ये भी ज़रूरी नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर लोग आएंगे ये इमिग्रेशन को पासेर करने के लिए वैध जो है रेस डॉक्यूमेंटन का इन्हें वैसा करना इनमें कुछ बदलाव लाना चाहिए तब जाकर भी फिसम जो है स्खेंगल लंदन का ये अफसाफ हो सकेगा आन पासिंग जो है वैध का ये रेस डॉक्यूमेंटन का ये काफ़ी ज़रूरी होता है इनमें COVID-19 maatregelen je nikala gaya hai but april ke 13 tarikh se. Aise president bhi batlaye hai karib 2 saal baad ye COVID-19 maatregelen nikala gaya hai. Aise bhi samanscholingsverbod jo hai ise nikala gaya hai aur ab mauka hai feesten aur prive evenementen ko rachane ke liye. Sabhi commerciële aur prive evenementen ye bhi rachaya ja sakta hai toepasselijke COVID-19 protocolen ke saath jo outbreak management team ka hote hai. Aise bhi vluchten jo hai ye bhi Suriname ke liye aane jaane ke liye khola gaya hai yani khudran aur personen verkeer ab bhi mumkin hai kuch mulkon ke taraf Nederland hai inme Nederlandse antillen hai Guyana Frans Guyana Brazilië Panama Trinidad en Tobago inme Verenigde Staten Cuba aur Dominicaanse Republiek wahan se saman aur janta aaya ja sakta hai aur phir wapas pahunchaya ja sakta hai कहा जाता है जो फॉलीड वैक्सीनेट लोग होते हैं जो यात्रा करने वाले हैं इनको कोई बवेस की ज़रूरी नहीं होता है और जो अनफॉलीड वैक्सीनेट है इनको भी ज़रूर से एक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट दिखाना पड़ेगा यात्रा करने से पहले ऐसे भी मुहाना रेखल्स पर हर हाल में गौर करना चाहिए ये मुहाना रेखल ज़रूरी नहीं है लेकिन आपके बचाव और हिफाजत के लिए आपको इसे काम में लाना है ऐसे रेखल्स जो है जिनमें हाथ धोना और सैनिटाइज करना अभी तक लागू है आप इसे ज़रूर से काम में लाए आगे चलकर ये मोंट और न्यूज कैप आप लगा कर जाए और ये अफस्तान जो होते हैं फिजिकल अफस्तान 8.5 मीटर का इस पर भी आपको गौर करना है जो लोग इसोलासी में रहते हैं या तो फिर फर्प्लिख कारंटैन में इनके लिए अगर रखा जाता है इनको फर्प्लिख इसोलासी में रहना है तो इनका उल्लंघन करना मना की जाती है ऐसे भी 2 साल बाद COVID-19 मातरीखला भी निकाला गया है सूरीनाम से लेकिन अफसोस के बाद भी जरूर से है इन 2 साल में करीबन 1325 लोग के मृत्यु हुए है COVID-19 के वजह से सुनने वालों सिपाही जो है ये भी पास वीकेंड में ये हफ्ते में कंट्रोल्स भी करने वाले हैं पारामारिबो में ऑपरेशन फैलग सूरीनाम के साथ ये पुलिसी जो है ख़ास तौर पर ये पास वीकेंड में सोमवार अप्रैल के 18 तारीख तक ये अपने कंट्रोल्स को अपफोर करने वाले हैं ख़ास तौर पर पारामारिबो से साउदर्न के तरफ ओस्टर्न से लेकर वेस्टर्न के तरफ और भी मोटर गाड़ियाँ जो है कंट्रोलर किया जाएगा कंट्रोल पोस्टन जो है ब्रोकोपोंडो स्टॉलकर्स एफर और करोनी में मैक्सिमम स्नेलहाइट पर भी आपको गौर करना चाहिए और अगर भी आप बस होंगकंतुस्तांत में नशे के हाल में मोटर गाड़ी चलाएंगे और सिपाही अगर आपको पकड़ेगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ओवर ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो इस पर भी पुलिस जो है आपको ज़रूर से दार भरवाएंगे फर्स्ट लेडी जो है ये भी डोनाची किए है पासन के मौके पर फर्स्ट लेडी बुध अप्रैल के 13 तारीख कांग्रेस हॉल में ये भी कुछ ज़रूरतमंदों को कुछ सामान दिए है वहाँ पर और ऐसे लोग जो पहले मांग किए थे इन सभी के लिए वहाँ पर यह सामान रखा गया था इनमें थे वार्ड बॉनन टैबलेट्स अंडरवेयर्स के लिए स्कूल पैकेटन भी थे इनमें ब्रश कॉटर्स और रोल स्टूलन ये सभी डोनाची जो फर्स्ट लेडी जे किए है ये डोनाटर्स के मदद से हुआ है और ऐसे भी कुछ ज़रूरतमंद लोगों को मदद दिया गया है इन सभी सामान के साथ हेरबाउड डीएनए तैयार किया गया है 29 महीने बाद ये बनाकर फिर डीएनए फोर्सिटर के हवाले किया गया है
ECB gereconstrueerde panden jo the Nationale Assemblee ka ye jo Hank Aaron Straat mein hai April ke 14 tarikh ke pura banakar taiyar kiya gaya hai aur fir DNA ke forsitter ko saupa gaya hai iske bare mein wahan par khas program bhi banaya gaya tha rachaya gaya tha jinme president the vice president aur sabhi ministers inme minister van onderwijs en cultuur Mino Seika jo tha forsitter de Nationale Assemblee ka aur kuch aise aur zaruri hoogwaardigheidsbekleders in me the, saat me bhi verantwoordelijke jo the Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB ka aur in sabhi ke saat milkar ye baatchit kiya gaya hai aur ye khas program jo rachaya gaya tha ye bhi ye naya makan jo banakar diya gaya hai 29 महीने काम किया गया है इनके भाव और इन रिक्तिंग में और जो पहले आग इनमें लगे थे अगस्त के पहली तारीख 1996 में तो फिर उसके बाद साल 2009 से शुरुआत भी किया गया था इसको फिर से बनाने के लिए उसी तरीका से लेकिन कोविड बीच में आया तो फिर 6 महीने और देर में ये खास खबाव जो है समय से बाहर फिर बनाकर दिया गया है इन में भी जरूर से कहा जाता है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट पारामारिबो का अर्बन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो थे और फिनेंशियरिंग जो किया गया था खास लेनिंग जो दिया गया था आईडीबी के जरिए से और इंटरफेंसी जो हुए थे इनमें खास तौर पर स्टिफ्टिंग खबौत एरफुट सूरीनाम का यूनेस्को के जरिए से और इनमें $3.4 million पैसा जो लगाया गया था ये रिकॉन्स्ट्रक्शन जो थे नवंबर साल 2019 में शुरुआत किया गया था और ये भी कोविड स्टाग्नेशन के वजह से 7 महीने में और ज़्यादा वक्त जो लगा इनमें तो भी बनाकर दिया गया है डियाना फोर्सिटर को और ये खास प्रोग्राम वहाँ पर रचाया गया और ये खबाओ को फिर से खोला गया है पर्सनल जो है मुंगरा मेडी सेंट्रम का ये तैयार नहीं है अपने आक्सी को बंद करने के लिए डायरेक्सी जो है मुंगरा मेडी सेंट्रम एमएमसी का न्यूनिकेरी में ये बंद को बुलावा दिए थे इनकर सुनवाई करने के लिए लेडर वहां पर गए थे और जो पेन पॉइंट है जो मुश्किलात इन दोनों के बीच है इनके बारे में बात किया गया था डायरेक्सी अपने अलंग से बतलाए थे बॉन्ड को कि फिनेंशियल मिडल के कमताई के वजह से पैसा पूरा तौर पर वे लोगों को भर नहीं पाते हैं ऐसे भी तखमुद कोमिंग जो थे कम से कम 5% का ये बॉन्ड के सामने रखा गया था प्रस्ताव लेकिन सेक्रेटारस जो है बॉन्ड का यह कही है कि डायरेक्सी जबकि अकेले ही सभी ऐतराफ करते हैं और पर्सनल्स लीडर को पैसा नहीं भर पाते हैं तो लोग भी कहते हैं कि कोई ना कोई वजह तो डायरेक्सी को निकालना ही पड़ेगा वरना यह लोग अपने अक्सी को बंद नहीं करेंगे पर्सनल्स लीडर जो है ये अनबॉज जो दिया गया डायरेक्सी के तरफ से वे ना स्वीकार करते हैं और वे लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई तरीका ये लोग निकाले ताकि वहाँ पर लोगों को जो पैसा है फिर से दिया जा सके ऐसे वे चाहते हैं कि डायरेक्सी और बॉन्ड को मिलकर बात करना चाहिए तब तक ये लोग अक्सी और जारी रखेंगे करीबन 2 महीने से वहाँ पर यह अक्सी चल रहा है न्यूनिकेरी मुंगरा मेडिस सेंटर में मिनिस्टर अच्छा बर सिंह ये कहते हैं कि आपको कोई वजह नहीं है कलाह करने के लिए शिकायत करने के लिए फिनेंशियल मिनिस्टर जो है मिनिस्टर अच्छा बर सिंह ये कहते हैं कि जिस तरह से आपके मिनिस्टर इसके लिए पैसा दिया जाता है फेपे को इनमें शिकायत करने का मौका और वजह बिल्कुल नहीं है ऐसे मिनिस्टर आरमंत अचैबर सिंह फिनेंशियल और प्लानिंग का मिनिस्टर जो है ये कहते हैं कि आपके मिनिस्टर इसके लिए पैसा ये वक्त पर दिए है कम से कम 90% रसूस का भरा गया है और जिनको शिकायत करने का मौका है और करते नहीं है ये है फेहा पे क्योंकि इनके लिए सिर्फ 82% रसूस वे लोग पैसा भरते हैं इन पर ऐसे भी कहा जाता है जो मुश्किलात जो थे फेपे पहले कहे थे कि मिनिस्टर अच्छा बर सिंह ये पैसा आप आपके प्रोजेक्ट के लिए जो खुद कर भी किया जाता है तो भी पैसा नहीं निकालते हैं ये बात सही नहीं है दोनों अलग से लोग अपने कागजात दिखलाए हैं और मामला कहीं और पर बिगड़ा हुआ था और दोनों मिलकर बात किए हैं और फिर ये मुश्किलात दूर हुआ है
एक दुकान जो है यारी काबा पर, वहाँ पर ऐसे डे के सरे से स्मोकल वार स्मोकल सिगरेट पाया गया है, दुकान को बंद किया गया है। ऐसे इकोनॉमिक कंट्रोल दिन्स ऐसे डे जो है मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक साकन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एजेट जो है ये बीते हुए बुध को दुकान विंकल एस को यारिकाबा में वहाँ पर स्लेक्ट हिगियन के कारण से और स्मोकल सिगरेट वहाँ पर जबकि पाया गया है, इस वजह से वहाँ पर दुकान को बंद किया गया है। ऐसे इलाहाल सिगरेट वहाँ पर मिला है और ये सभी सामान जो है ये भी अंडर सुक्स आमतनारन के जरिए से बसलाख में लिया गया है। बीते हुए हफ्ते में कंट्रोल वर्क समेत ऐसे डे का भी किया गया है, यह भी पारामारिबो सेंटर में और ओमखेविंग जो है सारामा का स्त्रात का, वहाँ पर भी कुछ ओवर ट्रेडिंग पाया गया है, जैसे सामान पर प्राइस अंडरडिंग नहीं रखा जाता है, प्राइस ऑफ ड्राइविंग किया जाता है दुकानों में, और ऐसे भी कुछ फरफाल प्रोडक्ट भी पाया जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि प्राइस अंडरडिंग्स बसलवित अनुसार दुकानदार ये फरप्लिख्त होते हैं हर एक सामान पर इसका प्राइस रखने के लिए। कॉन्सुमेंटन और ऑनडनीमस जिनको भी शिकायतें होते हैं, कहीं पर आप ये देखें दुकान में और आपको शिकायत है, तो ये शिकायत भी ज़रूर से एक फरकॉट नंबर के जरिए से दिया जा सकता है। ये है 9340 एक फरकॉट नंबर जो है, या तो फिर klachtenunit@gmail.com पर ये अपनी शिकायत आप ईमेल के जरिए से इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बीते हुए दिनों भी काफ़ी चर्चा किया गया है पॉलिसी इंस्पेक्टर हेनरी किया के बारे में, ये भी मात्सापलक ऑप्ट्रेडन जो अपने किए हैं और इसके बारे में काफ़ी चर्चा किया गया, काफ़ी तारीफ इनका भी किया गया है। ये काम के सिलसिले में गए थे एवरम सेहन बाकी वह के आसपास में, वहाँ पर दुकान के सामने एक लड़की को वे पाए जो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में एक दूसरे मर्द के साथ बातचीत कर रहा था, और ये इंस्पेक्टर जो है इन्हें बात ठीक नहीं लगा, वे लौट कर वहाँ पर गए बात करने के लिए ये लड़की के साथ। फिर ये लड़की से बात करने के बाद ये स्कूल होफ के पास जो गए तो पता चला ये लड़की झूठ बोल रही थी और ये स्पेबल कर रही थी। ऐसे भी कहा जाता है कि प्रोजेक्ट ब्यूर्ट मैनेजमेंट जो है ये भी सोशल कंट्रोल को गांव गांव में अपफोर करना चाहिए, ताकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं इन पर भी गौर किया जा सके और ये लोग निगरानी में रहे। सूरीनाम से मिलिटर नेशनल लीगर का जो है ये भी गए थे फ्रांस गुयाना की तरफ ट्रेनिंग को फॉलो करने के लिए। ये ट्रेनिंग जो थे 5, 6, 7 और अप्रैल के 8 तारीख तक। ये दो ट्रेनिंग जो दिया जाता है ऑनडर डेल जो भी होते हैं, इंटेंसिव सामन वर्किंग जो है सूरीनाम से और फ्रांस लीगर के साथ, और जो सालों तक ये संबंध बना है इसी सिलसिले में ये सूरीनाम से मिलिटेरन को जो है नेशनल लीगर का इन सभी को समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे ये मिलिटेर को भी सिखाया गया है कैसे मीडिस बहंदलिंग ये लोग को करना है मुश्किल के समय में, और कैसे खफेक्स और ओलख तुस्तांद में जो है वहाँ पर ट्रेनिंग जो दिया जाता है खुद के हिफाजत के लिए और दूसरों के मदद के लिए, ये सभी स्किल्स इन सभी को सिखलाया गया है। ऐसे भी फरबान टेक्निक इन सभी को फिर से सिखलाया गया है, मॉर्फिन किस तरह से देना चाहिए, और ऐसे रे एनिमेशन टेक्निक भी इन सभी को सिखलाया गया है। ऐसे भी कमांडो रिसर्च जो है ये भी ख़ास तौर पर यह प्रोसीड्यूर में इष्ट हेल्प के बारे में ज़्यादा गौर जो करते हैं, और ये सभी मिलिटर जो है नेशनल लीगर का कुछ जो गए थे ये ट्रेनिंग को फॉलो करने के लिए, तो वहाँ पर भी ये इंडलाखन जो होते हैं इन सभी के काम में इनके बारे में वे सभी बातें और सभी चीज़ें इन सभी को सिखलाया गया है। और ये भी थे आखिरी खबर प्रोग्राम सात दिन में। नमस्कार, खुदा हाफिज़।